हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ रागी फिंगर मिलेट रोटी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कप पानी, इसको मैंने गरम कर लिया था। और आप चाहे तो गैस पे ही आटा डाल सकते हैं। एक बोल मैंने लिया है रागी का आटा और हाफ बोल मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और व्लॉग्स को देखना ना भूलें। अब इसको मैंने इस तरह से मिक्स करके थोड़ी देर रख दूंगी, और उसके बाद फिर जब मैंने देखा तो आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें आटा और मिलाया है गेहूं का और रागी का, और उसको और अच्छे से मैं मेल्ट कर लेती हूँ। और ये सीड्स के साथ मैं थोड़ी सी दो रोटी बनाऊँगी और दो रोटी प्लेन बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, रिच इन आयरन कैल्शियम होता है, तो इसको बच्चों को देना काफ़ी अच्छा है। इससे बच्चों की बोन्स काफ़ी मजबूत होंगी। हालांकि हम मिल्क देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी चीज़ में बहुत हाई कंटेंट में कैल्शियम पाया जाता है तो वो रागी रोटी होती है, और ये हमारे हार्ट और कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। साथ में ये सीड्स डालने से आपको पता ही है बहुत बेनिफिशियल है, तो मैंने सोचा इसके साथ मैं आज ऐड करके देखती हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है इसको बेलने में, और बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है। वैसे मैंने व्हीट का जो प्रोपोर्शन है कम ऐड किया है, वो भी इसलिए क्योंकि बेटे को भी देना था मुझे, तो ये रोटी काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई दिखेगी तो वो नहीं खाएगा, इसी वजह से मैंने थोड़ा व्हीट भी ऐड किया है। अदरवाइज़ अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो बिना व्हीट को ऐड करे भी बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा फॉर्म रहेगा रागी खाने का। तो बस इसको मैं इस तरह से सेक लूँगी तवे पे, दवा दवा के अच्छे से साइड कॉर्नर पे, क्योंकि ये फूलेगा नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसके सीड्स हैं। तो ये दो रोटी मैंने साइड निकाल ली है सीड्स वाली, अब विदाउट सीड्स वाली मैं दूंगी। तो ये काफ़ी अच्छे से बिल गई थी और हम इसे सेक लेंगे, और ये मेरे बेटे के लिए है, और इस पर हम घी लगा के इसको अच्छे से देंगे, और ये काफ़ी सॉफ्ट बनी है तो वो भी इसे अच्छे से खा लेगा। और इस तरह से हमें अपने बच्चों को खिलाने के लिए काफ़ी कुछ ट्राई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसी लगी है रेसिपी आप मुझे ज़रूर से बताएं। लाइक एंड शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।